भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला सिडनी के मैदान पर खेला जाना है। बता दें आपको कि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर से टॉस जीता है और पहले यहां पर गेंदबाजी का फैसला किया है। आपको बता दें कि विराट ने साफ कहा कि एक तरफ की बाउंड्री काफी शॉर्ट है, इसलिए हम आसानी से यहां पर ऑस्ट्रेलिया को हराने की कोशिश करेंगे और अच्छा चेस करने की कोशिश करेंगे। बात करें अगर भारतीय प्लेइंग 11 की, तो भारतीय प्लेइंग 11 अनचेंज्ड है, यानी कि शिखर धवन, केएल राहुल, पारी की शुरुआत करेंगे। नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर संजू सैमसन, नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर दीपक चहर, नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर, नंबर 9 पर शार्दुल ठाकुर, नंबर 10 की बात की जाए तो नंबर 10 पर टी नटराजन और नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल नजर आएंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम में एक यहां पर बदलाव हुआ है, मार्कस स्टोइनिस की जगह एरन फिंच टीम में वापस आए हैं, यानी कि फिंच और डार्सी शॉर्ट पारी की शुरुआत करेंगे। मैथ्यू वेड नंबर 3 पर खेलेंगे, नंबर 4 पर स्टीव स्मिथ, नंबर 5 की बात की जाए तो नंबर 5 पर यहां पर नजर आ सकते हैं डैनियल सैम्स, नंबर 6 की बात की जाए तो नंबर 6 पर मॉइसेस ऑनरिकस नजर आ सकते हैं, नंबर 7 की बात की जाए तो एंड्रयू टाई नजर आएंगे नंबर 7 पर, और नंबर 8 की बात की जाए तो नंबर 8 पर यहां पर नजर आ सकते हैं स्वेप्सन, जिन्होंने काफी इंप्रेस किया है इस पूरी T20 सीरीज में, विराट कोहली, केएल राहुल और हर किसी को परेशान किया है। नंबर 9 की बात की जाए तो शॉन एबट, नंबर 10 की बात की जाए तो एडम जाम्पा, और नंबर 11 की बात की जाए तो डैनियल सैम्स इस टीम में नजर आएंगे। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।